बिग बॉस 8 विनर गौतम गुलाटी इन दिनों लाइमलाइट से दूर हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आज गौतम अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके दोस्त, फैंस और कई सेलेब्स उनके जन्मदिन पर बधाई भी दे रहे हैं। इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि वह इन दिनों कहां और क्या कर रहे हैं। गौतम गुलाटी का जन्म 27 नवंबर 1987 को हुआ था। वह दिलवालों के शहर दिल्ली के रहने वाले हैं। गौतम बिग बॉस में आने के बाद से काफी फेमस हुए हैं। बिग बॉस में घर के अंदर शुरुआती दिनों में वह मात्र एक भीड़ का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन लोगों से धोखा खाने के बाद वह भी गेम खेलना सीख गए, जिसकी वजह से वह इस शो को जीत पाए। उनके खेल के लिए होस्ट सलमान खान ने उनकी तारीफ की थी। बिग बॉस में आने से पहले गौतम एक टीवी एक्टर थे। साल 2008 में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनका पहला शो एकता कपूर का बनाया सीरियल कहानी हमारे महाभारत की था, जिसमें उन्होंने दुर्योधन का रोल निभाया, लेकिन उनको इतनी पहचान नहीं मिल पाई, जिसके बाद वह सीरियल कसम से में नजर आए। इस सीरियल में राम कपूर और प्राची देसाई मुख्य किरदार में थे। इसके बाद तुझ संग प्रीत लगाई सजना और प्यार किया एक कहानी जैसे फेमस सीरियल में भी गौतम ने काम किया। वहीं दीपिका सिंह के साथ सीरियल दिया और बाती हम में भी गौतम को देखा गया था। आपको बता दें, बिग बॉस के घर में जिस इंसान की वजह से गौतम इतने फेमस हुए और उनका नाम हुआ, वो कंटेस्टेंट थी मॉडल टीवी होस्ट डैंड्रिया सोरेस। गौतम और डैंड्रिया का बाथरूम रोमांस काफी चर्चा में रहा था। घर में उनकी लड़ाई और विवाद भी खूब हुए। बिग बॉस जीतने के बाद जब वह बाहर निकले तो उनको अच्छी पहचान मिली। बॉलीवुड में भी उन्हें काम मिलना शुरू हो गया था। 2016 में इमरान हाशमी की फिल्म अजहर में पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री का रोल उन्होंने निभाया था। वहीं राजकुमार राव स्टारर फिल्म बहन होगी तेरी में भी उनको देखा गया था। रिपोर्ट, वीडियो डेस्क, newstrack.com।